हे गाइस वेलकम बैक विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो। तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा गाइस कि आरसीबी मैच जीत गया गाइस, ठीक है। तो गाइस जो वुमेन्स टीम है गाइस वो मैच जीत गए, वर्ल्ड कप जीत गए भाई, ऐसा लग रहा है भाई आरसीबी के लिए, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट 16 साल के बाद गाइस एक कप आए। तो गाइस लेट्स सी गाइस पाकिस्तान की मीडिया का क्या रिएक्शन है गाइस, लेट्स गो गाइस। है कोई आरसीबी का फैन विराट कोहली का फैन, तो भाई आरसीबी ने, लड़कियों की आरसीबी ने, वुमेन्स की आरसीबी ने आईपीएल जीत लिया है। मतलब आप अंदाजा लगा लो, ऐसा पाकिस्तानी मैं भाई, मेरी मैं वर्ल्ड कप से ज्यादा बड़ी जीत को समझता हूँ भाई, मैं को भी वही लग रहा है। लगा लो, ये लाइन बनी नहीं आज तक, एग्जिस्ट ही नहीं थी करती। इस साल कब नाम दे भाई, आईपीएल जीत गई है, आरसीबी आईपीएल जीती है, बेशक लड़कियों की जीती है लेकिन आरसीबी जीती है, आईपीएल 2024 की ट्रॉफी जीत चुकी है, पकड़ के बजा दिया आरसीबी ने, दिल्ली का घंटा बजा दिया पकड़ के आरसीबी ने। मतलब क्या परफॉर्मेंस दी आरसीबी ने, पूछो भाई पेरी भाई, बजा दिया पकड़ के आरसीबी ने आज। मतलब यार कोई भी विराट कोहली का फैन होगा ना, मुझे नहीं लगता कि अगर वो आज खुश नहीं ना हो, वो विराट कोहली का फैन, विराट कोहली के लिए खुश नहीं। विराट कोहली का तल्लक है आरसीबी से, और आरसीबी वर्ल्ड कप जीत गई ऐसा समझ लो सर। आरसीबी आईपीएल जीत चुकी है 2024, मतलब क्या परफॉर्मेंस दिया लड़कियों की टीम ने। ये वो आरसीबी है जो लास्ट ईयर जो है वो बाहर हो गई थी, जो है वो आउट हो गई थी टूर्नामेंट से, सेमीफाइनल में भी थी, लेकिन इस साल आरसीबी ने वो याद ताजा की है, जो आरसीबी जो है दूसरे एडिशन में, जो दिल्ली और आईपीएल के दूसरे एडिशन में दिल्ली और आरसीबी के दरमियान फाइनल था, आरसीबी ने पकड़ के यार बेटा, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही मैं करूं क्या। मतलब ऐसा विराट कोहली फैन, ऐसा मतलब हम कब से आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम कब से आरसीबी के सपोर्टर हैं, मतलब इतनी जबरदस्त आरसीबी को सपोर्ट। और मेरे पीएसएल के घंटों, आप भी बाहर आओ ना, क्राउड देखा कि क्राउड देखा भाई, क्राउड सॉरी भाई क्राउड डब्ल्यूपीएल में भाई फुल हाउस फुल भाई, मतलब भाई 30,000 लोग बैठे थे भाई, और उसमें से भाई दिल्ली में मैच था, ठीक है, और उससे ज्यादा दिल्ली की सपोर्ट से ज्यादा भाई आरसीबी की सपोर्ट थी भाई। दैट्स अ यूपीएल में वुमेन्स प्रीमियर लीग के फाइनल का क्राउड देखा है, इधर पाकिस्तान में मेरे 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 घंटों और छनकना, इधर पाकिस्तान में जो हो रही है, ये जो प्लेऑफ्स हो रहे हैं, ये जो सेमीफाइनल फाइनल हुए हैं, इनकी छनकना, खाली स्टेडियम भरे पड़े हैं उधर, खुदर अब मैच देखने नहीं आ रहा उधर। देखा आईपीएल को पुत्र छोड़ दो, वो बाप है उसको साइड पे काट दो, डब्ल्यूपीएल की बात करो, डब्ल्यूपीएल का जो क्राउड है ना भाई, वो पीएसएल से 1,000 times ज्यादा था। मतलब तो पीएसएल की जिंदगी में इतना क्राउड नहीं आएगा जितना डब्ल्यूपीएल का फाइनल में आई क्राउड देखा, स्टेडियम बराबर है, खड़े होने की जगह नहीं है। करेक्ट, एक क्लास है इंडिया की क्रिकेट की, ये क्लास है बीसीसीआई की, ये उनकी अवाम, जिस तरह उनकी अवाम इंगेज होती है, इंटरेस्ट शो करती है लड़कियों की क्रिकेट देखने के लिए, कितनी ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उनकी उनकी अवाम। और आपके खुदड़ पीएसएल में, पीएसएल के प्लेऑफ में सर हाली स्टेडियम भरे हुए हैं, हाली स्टेडियम है, लेकिन पुरग्राव पीएसएल को छनकने पे चढ़ गई पीएसएल, खुदड़ पीएसएल को पुरग्राव, इधर बात आज तरफ होगी भाईजान डब्ल्यूपीएल की, क्योंकि आरसीबी ने पकड़ के घंटा बजा दिया आज दिल्ली का। और आरसीबी सर, आरसीबी आईपीएल जीत चुकी है, स्मृति मंदाना और वैसे ही मुझे बड़ी अच्छी लगती है, अगर कोई मुझे जानता है तो मैं, मुझे पता है कि मैं स्मृति मंदाना का वुमेन्स में भाई स्मृति मंदाना का मैं फैन हूँ, प्रॉपर स्मृति मंदाना का फैन हूँ। दिल्ली भर मैच में आज कहीं नजर ही नहीं आया, 113 पे आउट, तब 159 पे उनका जीरो आउट था। अभी कुछ घंटे बात कर रहे हैं पाकिस्तान में कि ये जी फिक्स था मैच, अभी मैं ट्विटर पे देख के आया हूँ, पाकिस्तान में मेरे कंट्री के फैंस कुछ बात कर रहे हैं कि सर ये फिक्स था, फिक्स था कि 59 पे दिल्ली के जीरो आउट हैं और जो वो 113 पे भाई फिक्स था। तो भाई 16 साल से भाई ट्रॉफी नहीं आई भाई, कहाँ फिक्स था भाई, उनकी पूरी टीम आउट हो गया मेरे छनकनों और घंटों, ये पीएसएल नहीं हो रही, प्लेऑफ नहीं हो रहे पीएसएल के, कि कोई बंदा मैच देखने नहीं आ रहा, खाली स्टेडियम भरे हैं, उनकी डब्ल्यूपीएल में क्राउड देख रहे, उनकी अवाम का, उनकी अवाम जितना इंटरेस्ट शो करती है, आज देख लो कि फिर क्या हाल किया आज आरसीबी ने। आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर भाई जान
आईपीएल जीत गया, ये चीज एग्जिस्ट करती है कि भाई इस साल कप नाम दो, कुछ सेट नहीं हो रही मुझे अभी। चल मैं जाओ बता देता हूँ, अगर मैं बताऊं रेणुका सिंह ने भाईजान दो ओवरों में 8 रन 28 रन दिए हैं। अगर मैं विकेटों की बात कर लूं तो जो है वो शोपी ने 3 विकेटें ली हैं, उसके बाद जो है वो श्रीलंका पटेल ने 4 विकेटें ली हैं और ऐशा जो है वो ने 2 विकेटें ली हैं। मतलब क्या परफॉर्मेंस दी है, मतलब पूरी थ्रू आउट दी टूर्नामेंट ये जबरदस्त खेले हैं, हर बंदे ने आके विकेट्स ली हैं, हर लड़की ने आके अपनी परफॉर्मेंस शो की और उन्होंने बता दिया कि ये वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट लीग है आफ्टर आईपीएल। देखो आईपीएल के बाद अगर कोई दूसरी लीग है तो वो डब्ल्यूपीएल है, आईपीएल के बाद अगर कोई लीग है तो वो वुमेन्स प्रीमियर लीग है, वो डब्ल्यूपीएल है। क्योंकि जिस तरह क्राउड ने, जिस तरह आवाम ने, जिस तरह इंटरेस्ट शो किया, जिस तरह बीसीसीआई, देखो इसका क्रेडिट बीसीसीआई को जाता है, इसका क्रेडिट बीसीसीआई को जाता है कि हमारी पाकिस्तान की लड़कियाँ जिनका पता पता ही नहीं है क्रिकेट में, और उधर इंडिया की क्रिकेट में लड़कियां देख लो जिस तरह बीसीसीआई ने ये होस्ट किया है और जिस तरह बीसीसीआई ने ये सारा करवाया है, उसके बाद जिस तरह अवाम मैचेस देखने आई है, ये इंडिया की अवाम को सल्यूट जाता है, तो सर आप बड़ा इंटरेस्ट लेते हो। आप अंदाजा लगा लो कि लड़कियों को देखने के लिए, लड़कियों की क्रिकेट को देखने के लिए एक स्टेडियम भरे पड़े हैं, समझ लो जब आईपीएल होगा तो तब क्या तबाही मचेगी। तब तो भाई मैं कहता हूँ अगर ऐसा हो जाए, कौन कौन चाहता है ऐसा हो, आरसीबी लड़कियां भी जीत जाए और आरसीबी लड़के भी। अरे भाई आरसीबी सर जीत गया, इससे बेहतर मैं बता नहीं सकता। आरसीबी डब्ल्यूपीएल जी, मतलब आरसीबी जीत गया, आरसीबी आईपीएल जीत गया, WPL भी नहीं बोलूंगा, IPL ही बोलूंगा, IPL भी टाइटल जीत गया, टाइटल जीत गया, मतलब RCB भी कोई ट्रॉफी उठाएगी, ये भाई बात कर सकता हूं मैं। ब्रश लेके लाइक एंड सब्सक्राइब करने, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम अपना बोल दे हरी की चला। तो गाइस मैं तो भाई जितने मतलब बोलो भाई जितने मुंबई इंडियंस के फैन है भाई, मैं सब लोग से रिक्वेस्ट करूंगा भाई कि भाई आप लोग भी इस बार RCB को सपोर्ट करो भाई, ठीक है। तो भाई प्लीज आप लोग भी RCB को सपोर्ट करो गाइस, ये साल इस साल कप नाम ने भाई वापस से RCB को, लाइक मैं भी बहुत बड़ा विराट कोहली का फ़ैन हूँ भाई, मतलब बहुत ज़्यादा ही फ़ैन हूँ मतलब, ठीक है। तो गाइज़ आई होप गाइज़ कि इस बार भी मेंस की टीम में भाई RCB जीते गाइज़, ठीक है, और विराट कोहली को भाई ऑरेंज कैप मिले भाई, ठीक है, और मैक्सवेल भी भाई 6-4 मारे जीता है भाई RCB। गाइज़ आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा गाइज़, ठीक है। तो मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइज़, RCB इन द चैट, और गाइज़ स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़, थैंक यू।